हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको इमली की खट्टी मीठी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस चटनी को आप खा सकते हैं समोसे, दही बड़े, गोलगप्पे या फिर किसी भी तरह के चाट के साथ। और आप इस चटनी को फ्रिज में एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इमली ले ली है। मैंने यहाँ पे बीज वाली इमली ली है, आप चाहे तो बिना बीज के भी ले सकते हैं। मैंने इमली को 2 घंटे तक गर्म पानी में भिगो दिया था जिससे कि अच्छे से फूल गई है, बहुत आसानी से इसका पल्प निकल जाएगा। आप चाहें तो इमली को उबाल के भी इसका पल्प निकाल सकते हैं। अब मैं चम्मच से इस तरह से इन्हें मैश कर लूँगी जिससे कि इसका पल्प बहुत ईजली से निकल जाएगा। तो देखिए, इसका पल्प बीज में से अच्छे से अलग हो चुका है। अब मैं इसे छान लूँगी। तो मैंने सारा पल्प छान कर अलग कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम गुड़। आप इसकी जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, उसमें सबसे पहले मैं इमली का पल्प ऐड कर दूंगी, साथ ही ऐड कर दूंगी गुड़ भी। गुड़ को लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे हाई पे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। इसमें मैं सबसे पहले सफ़ेद नमक ऐड कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर दें। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये मिर्ची कम तीखी होती है और कलर बहुत अच्छा देती है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे और भुने हुए सौंफ का पाउडर, जिसे मैंने तैयार करके रखा हुआ था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दें। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच ही ऐड कर दूंगी सौंठ। ये ड्राइड जिंजर पाउडर होता है, यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इस चटनी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 छोटे चम्मच पानी का घोल। इसे ऐड करने से चटनी बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। शादी पार्टी या फिर किसी भी होटल में यही यूज़ करते हैं हलवाई। अब इसे मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और चटनी को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उतने देर में चटनी अच्छी गाढ़ी हो जाती है। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। चटनी को हाई फ्लेम पे मैंने इसी तरह से रखा हुआ है उबलने के लिए। ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो रही है और 1 मिनट तक इसी तरह से उबाल लेंगे इसे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और इसे निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी, बहुत ही टेस्टी, चटपटी सी इमली और गुड़ की ये खट्टी मीठी चटनी हो चुकी है तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।